तो ये वाली वीडियो एग्जाम सीरीज 10 CBSE की 10th वीडियो होने वाली है। स्टार्ट करने से पहले एग्जाम सीरीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो एग्जाम सीरीज 10 CBSE में हमने पिछले 5 साल के मैथ्स के पेपर एनालाइज करे और हर चैप्टर हर टॉपिक में से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्रैक करने की कोशिश करी है और इस एग्जाम सीरीज में हम आपको वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये वाली वीडियो आपकी सर्कल्स पे होने वाली है, ज्योमेट्री यूनिट की सेकंड वीडियो है, पहली वाली अपन ट्रायंगल्स पे कर चुके हैं। सर्कल्स का वेटेज आपका अराउंड 3 मार्क्स है। एग्जाम सीरीज 10 CBSE के लास्ट तक अपन पूरे 80 मार्क्स कवर करने वाले हैं। सर्कल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें CBSE ने कुछ भी रिड्यूस नहीं करा। इस वाली वीडियो में जो अपने क्वेश्चंस होने वाले हैं ये रिपीट हुए हैं पिछले 5 सालों में, तो वीडियो पूरी देखना। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो तो 3 बार आ चुका है सेम क्वेश्चन, वीडियो पूरी देखना, आखिरी तक देखना। तो एग्जाम सीरीज की हर वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो उस टॉपिक में आपकी मिस्टेक्स कम कर देंगे। इस वाली वीडियो में भी है पॉइंट्स, आखिरी तक देखना। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो YouTube पे आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं लगेगी। तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, सबको फायदा होना चाहिए। लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेगुलर वीडियोज आती है मेरी। जो भी आपके डाउट आए कमेंट में डाल देना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस पे आने से पहले टॉपिक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सर्कल साहब ने क्लास 9th में भी पढ़े थे, क्लास 10th में अपन इससे थोड़ा आगे जाते हैं, अपन टेंजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो टेंजेंट क्या होती है अपन उसे यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास सर्कल और एक लाइन है एक सेम प्लेन में, तो क्या क्या आपके पॉसिबल फिगर्स हो सकते हैं। पहले वाला, सर्कल और लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करते, यह है आपका पहला पॉसिबल फिगर। दूसरा वाला, सर्कल और लाइन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पे लाइन है आपकी सीडी और ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट्स ए और बी पे। तीसरा वाला है कि सर्कल और लाइन एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। तो ये जो तीसरा वाला केस है, यहाँ पे जो लाइन है सीडी ये है टेंजेंट टू द सर्कल, सीडी इज द टेंजेंट टू द सर्कल, सीडी इज द टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये होती है आपकी टेंजेंट्स। ये जो दूसरा वाला केस था जिसमें आपके दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ये है आपका सेकंड। यहाँ भी जो आपकी लाइन थी सीडी सेकंड। तो इस पूरे वाले चैप्टर में अपन इन वाले फिगर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये था आपका टॉपिक का इंट्रोडक्शन, इतना कर लो आप। फिर अपने पास दो थ्योरम है उसे अपन समझ लेते हैं। इस वाले चैप्टर में आपको दो थ्योरम्स हैं, अपन दोनों को समझ लेते हैं। पहला वाला थ्योरम जो है उसके पहले अपन एक टर्म समझ लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है कि सर्कल और टेंजेंट जो है सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है डी, इसे बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। डी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं कि अपना पहला वाला जो थ्योरम है, पहला वाला थ्योरम आपका सिंपल है कि सर्कल का सेंटर और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अपन ज्वाइन करें, तो यह है आपकी रेडियस, ओडी रेडियस है। अब ये जो रेडियस है, रेडियस अपना टेंजेंट के साथ एंगल बनाती है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये है 90 डिग्री। पहला वाला थ्योरम है आपका ये कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल है 90 डिग्री, राइट एंगल बनाते हैं वो। इसका अगर अपन प्रूफ चाहें तो देख सकते हैं कि अगर इस पॉइंट ओ को मैं किसी और पॉइंट से ज्वाइन करूँ जो टेंजेंट पे लाया करता है, जैसे यहाँ मैंने ज्वाइन करा पी से या फिर क्यू से, तो आपको यहाँ दिख रहा है फिगर में कि जो आपका ओपी है वो हमेशा बड़ा होगा आपकी रेडियस ओडी से। क्यों? क्योंकि रेडियस तो सिर्फ आपकी इतनी होगी, ओडी और ये इक्वल है, फिर ये वाला पोर्शन थोड़ा एक्सेस है, तो आपकी ओपी जो है वो हमेशा बड़ी होगी ओडी से। या फिर और जनरली अपन कहना चाहें तो ये जो रेडियस है हर दूसरी लाइन से छोटी होगी सर्कल और इस वाले पॉइंट के बीच में। आगे बात समझ में? अभी सबसे छोटी लाइन है, मतलब जो है ओपी जो है परपेंडिकुलर है, ओपी इज द परपेंडिकुलर, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी। या क्लास 9th में पढ़ के भी आए हो, ये सिंपल चीज है। ये आपका पहला वाला थ्योरम था, कर लो आप इतना। फिर अपन थ्योरम 2 पे आते हैं। तो थ्योरम 2 पे आने से पहले अपन एक चीज समझ लेते हैं कि अगर आपके पास एक सर्कल है और एक पॉइंट है सर्कल के बाहर लाया करता है, इस पॉइंट का नाम कुछ भी दे दो आप, क्यों, तो एक सिंपल क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट से अपन सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 2, कि अपन 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं एक ऐसे पॉइंट से जो सर्कल के बाहर लाया करता हो,
सर्कल के अंदर नहीं, सर्कल की बाउंड्री पे नहीं, सर्कल के बाहर जो लाया करता है, उससे अपन दो पॉइंट्स, दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिंपल चीज़ है। अब थ्योरम टू इससे ही रिलेटेड है कि वो बता रहे हैं कि अगर आपके पास, अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टी और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिखते हैं अपन आर, तो ये जो आपकी दो टेंजेंट्स हैं इनकी लेंथ है क्यू टी और क्यू आर। अब ये कॉमन पॉइंट से ड्रॉ हो रही है, कॉमन पॉइंट से इमर्ज हो रही है, तो इनकी लेंथ होगी इक्वल। थ्योरम टू आपका सिंपली ये कहता है। थ्योरम टू का जो प्रूफ है अपन वो आगे क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। कर लो आप इतना, फिर अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर आपको जो भी डाउट्स है इंट्रोडक्शन में बताओ मेरे को कमेंट्स में, वहां उन्हें सॉल्व कर दूंगा मैं। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि सर्कल्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो रिपीट हुए हैं, कोई क्वेश्चन 2 साल आए, कोई क्वेश्चन 3 साल आए। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है ये सेक्शन बी में आया था 2016 और 2017 में, सेम क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है आपका, ए सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। फिगर बनाने की कोशिश करते हैं पहले अपन, के आपको दे रखा है सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। तो आपका एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके अंदर एक सर्कल है जो चारों साइड को टच करता हुआ पास हो रहा है। फिगर नहीं बना ढंग से मेरे से, वापस बनाते हैं। चलो ऐसा कुछ आपका फिगर होना चाहिए, यहाँ तो टच भी नहीं हो रहा लेकिन सपोज कर लो टच हो रहा है। हाँ, क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए बी सी डी। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए बी सी डी। प्रूफ करना है आपको ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। टू प्रूफ ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए, ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन सिंपल है, जो आपने थ्योरम टू पढ़ा वो यहाँ अप्लाई होगा। चलो, तो अब ये जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है सर्कल, उनको पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ पे नाम दूँ पी क्यू आर एस, इसको और थोड़ा ढंग का कर देते हैं। चलो अब थोड़ा ठीक लग रहा है। पी क्यू आर एस आपके पॉइंट्स के नाम हैं, अपने को ये प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम टू अप्लाई होगा यहाँ पे। पॉइंट सी जो है, इससे अगर अपन देखने की कोशिश करें तो पॉइंट सी अभी सर्कल का एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से अपन दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, सी क्यू और सी आर। अब जब ये कॉमन पॉइंट से इमर्ज हो रही है तो इनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको मिल गया सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, पहली चीज आपको ये मिल गई। रीजन में आप थ्योरम टू पूरा का पूरा छाप देना। आगे बढ़ते हैं। वैसे ही अगर अपन यहाँ देखें तो जो अपना बी है ये कॉमन पॉइंट है सर्कल के बाहर, और इससे दो टेंजेंट्स आ रही हैं जिनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी अपनी। तो बी एस जो है, या फिर इसको ऐसे लिखें अपन कि बी आर जो है, जो आपकी दो टेंजेंट्स हैं वो इक्वल हो जाएगी। तो सी क्यू सी आर के इक्वल, बी एस बी आर के इक्वल, बी आर इज इक्वल टू बी एस। चलो, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, वो वहाँ पर ऐड हो जाएंगे बी आर और सी आर। तो बी एस इज इक्वल टू बी आर। चलो, क्या कर दिया मैंने यहाँ बी आर को। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करने वाले हैं अपन। अब अपन यहाँ पॉइंट ए और डी पे भी ऐसा ही करने वाले हैं। तो ए आपका बाहर वाला पॉइंट, इससे दो जो टेंजेंट इमर्ज हो रही है वो है ए एस और ए बी, इनकी लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। तो आपकी ए एस इक्वल होगी ए बी के, ए एस जो है इक्वल होगी ए बी के। तो आपका डी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो आपकी जो टेंजेंट्स आ रही हैं उनकी लेंथ हो जाएगी इक्वल। तो अपन यहाँ करने वाले हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू एक और जो टेंजेंट है आपकी डी बी, इनको इक्वल कर दिया। चार इक्वेशन आपको मिल गई, चारों को ऐड कर देते हैं। तो आपके पास आएगा सी क्यू, इस वाली साइड पे सी क्यू प्लस बी एस प्लस ए एस प्लस डी क्यू, और यहाँ पे सी आर प्लस आर बी प्लस ए पी प्लस डी बी। आगे क्या क्या ऐड हो सकता है यहाँ पे आप देखो, सी क्यू प्लस डी क्यू ये आपकी पूरी लेंथ आ जाएगी सी डी, बी एस प्लस ए एस ये आ जाएगा आपके पास ई बी, यहाँ पे सी आर प्लस बी आर ये हो जाएगा बी सी, और बची हुई दो ए पी प्लस डी पी ये हो जाएगी ई डी। हो गया प्रूफ, यही करना था, यहाँ पे लिख भी देते हैं अपन, हेंस प्रूफ।
इसी के साथ अपना पहला वाला क्वेश्चन हो गया, सिंपल ही था, बस आपको थ्योरम अप्लाई करना था। कर लो आप इतना, फिर अपन अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन पर आते हैं इस वाली वीडियो के। ये भी रिपीट हुआ था, 2019 के सेक्शन सी में आया था और 2017 के सेक्शन डी में आया था। क्वेश्चन है आपका द फिगर। अब मैंने यहाँ फिगर पहले से ही बना लिया क्योंकि मेरे से वीडियो में बनता नहीं है वो, और वैसे अभी भी कुछ खास बना नहीं, लेकिन काम चल जाएगा। द फिगर, इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। चलो, तो पी क्यू और आर एस दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं सर्कल के। सर्कल का सेंटर है आपका ओ और एक और टेंजेंट है ए सी जो जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ सी, और जो पी क्यू को इंटरसेक्ट करती है ए पे और आर एस को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट बी पे। ये आपको इतना फिगर में दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी जो है वो है 90 डिग्री। ये वाला एंगल आपको राइट एंगल प्रूफ करना है, ये प्रूफ करने का। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, क्वेश्चन ईजी है। इसमें आपको थोड़े कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे कि ओ को मैं इस वाले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जॉइन कर रहा हूँ पी क्यू के, इसको नाम दे रहा हूँ मैं इस पॉइंट को एम। ओ को मैं आर एस के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से भी जॉइन कर रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ मैं एन। चलो अभी तक ये आ गया। उसके बाद ओ और सी को भी जॉइन कर रहा हूँ मैं, मैंने इतने कंस्ट्रक्शन कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है एन ओ बी। इसका रीजन बताता हूँ मैं अभी। एन ओ बी जो है आपका वो इक्वल है एंगल बी ओ सी के। एन ओ बी एंगल बी ओ सी के इक्वल है, क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखो, ये जो आपके दो ट्राइंगल बनेंगे, ट्राइंगल एन ओ बी और ट्राइंगल बी ओ सी, ये चीज मैं उसके इंट्रोडक्शन में बताना भूल गया, यहाँ समझ लेते हैं इसको कि एन ओ बी और बी ओ सी, अगर अपन इन्हें यहाँ देखें तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ भी कर देते हैं इन्हें। तो ओ एन जो है आपकी ओ सी के इक्वल सर्कल की रेडियस, और ओ बी ओ बी के इक्वल कॉमन लाइन। एक और जो चीज इनमें इक्वल है कि ये इसमें ओ एन और बी सी भी इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये कॉमन, सॉरी, इसमें एन बी और बी सी भी इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि कॉमन पॉइंट बी से दो टेंजेंट्स इमर्ज हो रही है। तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल में साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और इसकी वजह से ये जो अपना एंगल है ये भी इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। आगे इतना, अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही सिमिलरली, पहले तो उसको हटा दो, अब ऐसे ही सिमिलरली अपन इन दोनों एंगल्स को भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। एंगल एम ओ ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। चलो इतना कर दिया आपने, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर अपन इस वाली लाइन को देखें एम ओ एन, इस वाली लाइन पे ओ पे चार एंगल बन रहे हैं, चारों को अगर अपन ऐड करते हैं तो लीनियर पेयर है, इनका सम होगा 180 डिग्री। कर देते हैं, तो एंगल एम ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल एम ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो यहाँ पर मैं ऊपर प्रूफ करा था वो यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। एंगल एम ओ ए आपके इक्वल है एंगल ए ओ सी के प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, और एंगल एन ओ बी आपका इक्वल है एंगल बी ओ सी के इज इक्वल टू 180 डिग्री। कर दो ऐड, ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल ए ओ सी, और ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। टू कॉमन निकाल लो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। टू को यहाँ भेजो। अब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, फिगर में ध्यान से देखो तो ये आपका एंगल बन रहा है पूरा एंगल ए ओ बी। टू को वहाँ भेजो 180 अपॉन टू, आ गया 90 डिग्री। यहाँ पे अपना क्वेश्चन प्रूव हो गया, सिंपल ही था, आपके थ्योरम ही लगे हैं इसमें भी। कर लो आप इतना, फिर अपन इस वाली वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरे वाले क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन आपका 3 सालों में आया था, 2017 के सेक्शन डी में आया था, 2016 के सेक्शन डी में आया था और 2018 के सेक्शन सी में आया था।
ये वाला क्वेश्चन हो सकता है 2021 में भी आ ही जाए, क्योंकि पिछले 3 साल आ चुका है। और ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था स्टार्टिंग में टॉपिक के इंट्रोडक्शन में कि थ्योरम 2 हु का प्रूव ओपन क्वेश्चन में देखने वाले हैं, वो यहाँ हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। चलो, तो एक्सटर्नल पॉइंट ओ से अगर अपन दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, बताना है आपको कि इनकी लेंथ इक्वल है। आपको यहाँ बताना है कि ओपी और ओक्यू जो है ये इक्वल है। टू प्रूव OP is equal to OQ. स्टार्ट करते हैं, थोड़े से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेंगे और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेंगे आपको दो ट्रायंगल को। तो अगर सपोज करते हैं इस वाले सर्कल का सेंटर है A, अपन ज्वाइन करते हैं P को A से, P को Q से और O को A से। तो अपने पास दो ट्रायंगल आ रहे हैं, ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQA। जब अपन इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो बाय सिंप्लिसिटी अपने पास आ जाएगा OP इज इक्वल टू OQ। तो अपन करने वाले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। स्टार्ट करते हैं पहली वाली चीज के, अपन ने पहला वाला जो थ्योरम देखा था कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो एक एंगल तो आपको दोनों में इक्वल मिल गया, एंगल OPA आपका इक्वल हो गया एंगल OQA के, दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। इतना हो गया। दूसरा वाला पॉइंट AP इज इक्वल टू AQ, ऐसा क्यों? दोनों रेडियस है सर्कल की, तो इसका रीजन है रेडियस, और रेडियस इक्वल ही होती है आपकी। एक और चीज आपको बतानी है, तो लास्ट वाली चीज होगी आपकी OA इज इक्वल टू OA, कॉमन है दोनों में। हो गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कौन से वाले क्राइटेरिया से? तो अपना क्राइटेरिया है कि ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQA। क्राइटेरिया है आपका RHS बाय RHS क्राइटेरिया, राइट हाइपोटेन्यूस साइड 90 डिग्री वाला एंगल, राइट हाइपोटेन्यूस OA और एक साइड AP EQ, ये इक्वल हो गई। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अपने बाकी बची हुई सारी चीजें इक्वल। यहाँ से आपको आ गया OP इज इक्वल टू OQ, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल होते हैं बाय सीपीसीडी। इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन यहाँ हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन इजी था लेकिन ये रिपीटेडली आया है, कर लो आप इतना। फिर अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आ जाते हैं सर्कल्स के। तो अपन आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर पे। पहला वाला पॉइंट, सर्कल सबसे छोटा चैप्टर है आपका और सीबीएसई ने भी इसमें कुछ रिड्यूस नहीं करा, दो ही थ्योरम है, अच्छे से कर लो, 3-4 मार्क का आएगा, पूरे स्कोर हो जाएंगे आपके। ये पहला वाला पॉइंट था। दूसरा वाला पॉइंट कि जैसे अभी आपने क्वेश्चंस में ये देखा ही होगा कि जो आपकी प्रॉपर्टीज थी वो पहले जो आपने पढ़ रखी है ज्योमेट्री में, पैरेलल लाइंस वाली, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल वाली, वो ज्यादा अप्लाई हो रही है। पुरानी प्रॉपर्टीज जो आपने क्लास 7th 8th 9th में पढ़ रखी थी वो ज्यादा अप्लाई हो रही है। तो अगर आपको सर्कल्स, और अगर मैं एक पूरी ज्योमेट्री की बात करूँ, ट्रायंगल सर्कल जो आपका एक और चैप्टर है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, उसमें अगर आपको पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो थोड़ा पीछे जाओ, वो प्रॉपर्टीज वापस समझ लो, काम आएगी वो। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कर लो इतना, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। गुड बाय।